परशुराम विप्र जागृति मंच द्वारा सर्व ब्राह्मण युवक युवती की परिचय सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट आजीवन जज लोक अदालत के दिनेश कुमार शर्मा ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सम्मेलन में 250 युवक युवतियों ने अपना अपना परिचय कराया। रविवार को परशुराम विप्र जागृति मंच द्वारा सर्व ब्राह्मण युवक युवती का परिचय सम्मेलन राजपुर चुंगी स्थित एक वाटिका में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट आजीवन जज लोक अदालत के दिनेश कुमार शर्मा ने समिति द्वारा किए गए परिचय सम्मेलन की प्रशंसा करते हुए बताया कि परशुराम विप्र जागृति मंच द्वारा ये मुहिम काफी अच्छी चलाई जा रही है। सभी समाज के लोगों को ऐसे सम्मेलन समय समय पर कराने चाहिए। परशुराम विप्र जागृति मंच के अध्यक्ष व कार्यक्रम का संचालन कर रहे मनोज पांडे ने बताया कि सर्व ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन में यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी युवक युवतियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं उनके साथ आए अभिभावकों ने समिति द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। आज का कार्यक्रम सर्व ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया था, जिसमें सभी ब्राह्मण संगठनों को आमंत्रित किया गया था और सारे उनके संस्थापक अध्यक्ष भी यहाँ आए हुए थे। और अभी आप देख रहे हैं परिचय सम्मेलन चल रहा है, यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा फॉर्म अभी हैं यहाँ पर, और युवक अपने आके परिचय दे रहे हैं मंच पर, युवतियाँ मंच परिचय दे रही हैं और प्रयास है कि यहाँ जोड़े बन भी जाएंगी, क्योंकि जिस तरह बात कर रहे हैं सब युवक युवती अभिभावक बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट जाएगा बहुत जल्दी इसका। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितने भी संगठन हैं आगरा के, उन सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सभी ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इतने जो अभिभावक युवतियों और युवकों के साथ आए हुए हैं वो सभी प्रसन्न हैं, प्रसन्नता का माहौल है। और हम जो कार्य इतने दिनों से सोच रहे थे वो अपनी सफलता की सीढ़ी चल रहा है। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।